बाइट ऑफ जॉय में आप सबको बहुत बहुत खुश आमदेद। फॉर इंग्लिश प्लीज फॉलो रिटन इंस्ट्रक्शंस। आज की वीडियो में हम इंस्टेंट पॉट के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला सवाल ये कि इंस्टेंट पॉट आखिर है क्या। तो इंस्टेंट पॉट बेसिकली आपका इलेक्ट्रिक प्रेशर कुकर है और ये दूसरे अप्लायंस के बनिस्बत हमारा सबसे पसंदीदा अप्लायंस है क्योंकि इसमें खाना पकाना बहुत ही आसान है। तो चूल्हे के बनिस्बत अगर इंस्टेंट पॉट को देखा जाए तो इसमें खाना बहुत ही जल्दी बनकर तैयार होता है। एक बार आपने तमाम इसमें चीज़ें डाली, इसका ढकना बंद किया और टाइमर सेट किया तो मुकर्रर टाइम पर आपका खाना बनके तैयार हो जाएगा। इसे आपने बहुत ज़्यादा बेबी सेट नहीं करना, इसमें आपको ये फिक्र भी नहीं होती कि खाना आपका जल जाएगा या कॉन्स्टेंटली इसे चेक करना होगा कि पानी तो कम नहीं हो गया। एक बार आपने ढकना बंद किया और इसका प्रेशर डाला तो खाना जो है आपका प्रॉपर और सही तरीके से बन के तैयार हो जाएगा। और दूसरी इसमें यह खूबी भी है कि इसमें एक कीप वार्म का बटन मौजूद है, तो जब खाने के पकाने के टाइम पर आप उस बटन को प्रेस करेंगे तो खाना जब बन के तैयार हो जाएगा तो उसके बाद जो है वो खाना आपका वार्म भी रहेगा जब तक कि आप इसे सर्व नहीं करते। एक और खूबी इसमें यह है कि आप इसमें टाइमर भी सेट कर सकते हैं, लिहाजा अगर आपने सोटे करके इसमें चीज़ें डाल दी और आप चाह रहे हैं कि एक घंटे बाद वो कुकिंग स्टार्ट करे तो ये भी इसमें पॉसिबल है। तो इस पॉट के अंदर एक स्टेनलेस स्टील बोल मौजूद होता है जो कि बहुत ही आसानी से क्लीन किया जा सकता है। आप चाहें तो इसे हाथ से धो लें या अगर आप चाहें तो इसे डिश वॉशर में भी धो सकते हैं। और यह है कि इसे साफ़ करना बहुत ही आसान है। और जो बाहर का पॉट है जहाँ पे आपके सारे बटन्स वगैरह मौजूद हैं और जिसमें इलेक्ट्रिकल आउटलेट आपका प्लग इन होता है, उसे आपको डिश वॉशर में नहीं डालना और ना ही सिंक में डालना है, बल्कि गीले कपड़े से आप इसे बहुत ही आसानी से पोंछ सकते हैं। तो इस पॉट में जब हम कुकिंग स्टार्ट करते हैं और इसका ढकना बंद करते हैं तो यहाँ पे ऊपर एक नॉब मौजूद होता है, तो इसे हम जब सीलिंग पे डाल देंगे तो ये पूरा अच्छी तरह से सील हो जाएगा और इसमें प्रेशर भी बिल्ड होना शुरू हो जाएगा। और जब कुकिंग आपकी पूरी मुकम्मल हो चुकी हो और इसका प्रेशर रिलीज़ करना हो तो नॉब को जो है हम वेंटिंग पर घुमा देंगे। तो ये इंस्टेंट पॉट जो है ये आपका बहुत मुख्तलिफ चीज़ों की तरह से भी काम करता है। ये आपका राइस कुकर भी है, स्लो कुकर भी है और प्रेशर कुकर की तरह भी इसे काम अंजाम दिया जा सकता है। तो इसमें मुख्तलिफ चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो अक्सर लोगों का सवाल होता है कि आखिर इंस्टेंट पॉट में क्या पकाया जा सकता है। तो जवाब ये है कि इसमें क्या नहीं पकाया जा सकता। इसमें आप मुख्तलिफ किस्म के सूप तैयार कर सकते हैं, चावल पकाए जा सकते हैं, खुसूसन ब्राउन राइस जिसे चूल्हे पे पकने में बहुत टाइम लगता है, चिकन बना सकते हैं, बीफ या उसकी कोई भी तरकारी वगैरह आपको बनानी हो वो आसानी से इसमें बन जाती है। इसमें आप केक वगैरह भी बेक कर सकते हैं, दही आपको जमाना हो, कोई चीज़ बॉयल करनी हो जैसे कि अंडे हो गए, पास्ता और आलू वगैरह, वो आप कर सकते हैं, वेजिटेबल्स को स्टीम किया जा सकता है। तो इसमें मुख्तलिफ चीज़ें बनाई जा सकती हैं और तरीके भी इसके बहुत ही आसान होते हैं। अगर आप चाहें तो इंस्टेंट पॉट में छोले या राजमा वगैरह आप बल्क में बॉईल कर सकते हैं और ये बहुत ही आसानी से और बहुत ही अच्छे गल के तैयार होते हैं। फिर आप इसके पैकेट्स बना लें, इसे फ्रीज़र में डाल दें तो जब आपको ज़रूरत होगी तो ये पहले से ही आपके पास पके हुए तैयार होंगे। दही आपको जमाना हो तो रात में आप जमाने रख दें, फिर 6 से 8 घंटे के अंदर जब आप सुबह उठेंगे तो दही भी आपका जम के तैयार हो जाएगा। तो ये कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं कि इसमें क्या क्या चीज़ें बनाई जा सकती हैं। तो इंस्टेंट पॉट की एक और बड़ी खूबी ये है कि इसमें एक साथ कई मुख्तलिफ चीज़ें एक ही टाइम पर तैयार की जा सकती हैं। आपने एक तरफ दाल गलने रखी है तो साथ ही में चावल भी पक सकते हैं और साथ ही में एक तरफ वेजिटेबल्स को भी स्टीम किया जा सकता है। तो ये बहुत ही बड़ी खूबी है जो कि चूल्हे पर एक पॉट में हम मुख्तलिफ चीज़ें नहीं तैयार कर सकते। तो इसे तैयार करने के लिए थोड़ी आपको एक्सेसरीज़ की ज़रूरत होती है। आप चाहें तो इसे बाज़ार से ख़रीद भी सकते हैं, ये पैकेजेस में भी आते हैं और इंडिविजुअल भी इसे ख़रीद सकते हैं। आप चाहें तो घर में भी मौजूद बर्तनों में आप पॉट इन पॉट कुकिंग कर सकते हैं, जैसे कि ओवन सेफ ग्लास बोल्स हो गए, सिरेमिक या पोर्सलिन किसी किस्म के बोल्स आपके पास मौजूद हों तो वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं और साथ ही में स्टेनलेस स्टील कंटेनर्स भी जो हैं तो वो भी इसमें इस्तेमाल किए जा सकते हैं। तो वो अफराद जिनकी ज़िंदगी बहुत ही मसरूफ़ होती है और टाइम की उन्हें हमेशा कमी रहती है तो उनके लिए तो इंस्टेंट पॉट बहुत ही बेहतरीन है,
क्योंकि इसमें एक साथ जो है एक टाइम का मुकम्मल खाना भी तैयार किया जा सकता है। और यह है कि ना सिर्फ इसमें आपका टाइम बचता है बल्कि जो कुकिंग का अक्सर हमें स्ट्रेस होता है तो वो भी इससे रिड्यूस हो जाता है। इंस्टेंट पॉट काफ़ी मुख्तलिफ साइज़ में अवेलेबल है, 3 क्वार्ट का 2 से 4 लोगों के लिए, 6 क्वार्ट 4 से 6 लोगों के लिए और 8 क्वार्ट 6 से 10 लोगों के लिए खाना इसमें पकाया जा सकता है। तो अगर तो आपने इंस्टेंट पॉट अभी तक नहीं ख़रीदा है तो इस बारे में ज़रूर सोचिएगा। इंस्टेंट पॉट में खाना पकाना बहुत ही आसान है, आपकी ज़िंदगी भी आसान हो जाएगी और आपको खाने पकाने में मज़ा भी बहुत आएगा। और बहुत सारी मज़ेदार रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।